आज की ये बैटल होने वाली है एक काल्पनिक रेप्टाइल और प्रीहिस्ट्रिक फेस के बीच। आज की ये वीडियो है दो ऐसे खूंखार दैत्यों की जिसकी ताकत और आक्रामकता से कोई नहीं बच सकता। दोनों की पैनी नजर, तेज धारदार दांत और विशाल काया को देखकर ही कई जीव तो वहीं पस्त हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं स्कल आइलैंड का खूंखार दानव स्कल क्रॉलर और शार्को के पूर्वज मेगालोडॉन शार्क की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें स्कल क्रॉलर की तो इसे इसका नाम मिला है इसके हड्डी की तरह दिखने वाले सिर और रेंगने वाली हरकत के कारण। वैसे इसका असल नाम है हल्क्राह यानी परसिस्टेंट एनमी, अर्थात यह जिसे अपना दुश्मन मान ले ये उसके पूरे प्रजाति का ही अंत कर देता है। दिखने में ये दानव एक विशाल रेप्टाइल की तरह दिखता है जिसके दो विशाल फोर लिम्स, सांप की तरह विशाल पूंछ, लंबा तथा पतला शरीर और एक लंबा शिकारी जीव है। स्कल आइलैंड के अंडरग्राउंड में रहने वाला ये शिकारी जमीन पर एक साथ जब भी झुंड में निकला करते हैं तो इन सभी की भूख कईयों के अंत के साथ मिटती है, इसलिए इसे स्कल आइलैंड का सबसे बड़ा खतरा भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कॉन्ग के पेरेंट्स को स्कल क्रॉलर्स के झुंड ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। बात करें स्कल क्रॉलर की एबिलिटीज की तो फिल्म के अनुसार यह एम्फीबियन नेचर का है, यानी यह अपने छिपे हुए गिल्स की सहायता से पानी के अंदर भी कई घंटों तक जीवित रह सकता है। स्कल क्रॉलर चूंकि अर्थ के काफी गहरे हिस्से में रहता है, यानी इसकी पूरी प्रजाति ने धरती में उतना गहरा गड्ढा भी बनाया होगा, और इससे पता चलता है कि इसके हाथ धरती में भी सुराख करने के काबिल है। ऐसे में इसके नुकीले पंजे दुश्मनों की क्या ही हालत कर देती होगी। स्कल क्रॉलर इतना ड्यूरेबल है जिस पर कई बुलेट्स फायर और फ्लेम थ्रोवर का भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि कॉन्ग ने जब स्कल क्रॉलर के सिर पर चट्टानों तथा पेड़ों से मारा था फिर भी स्कल क्रॉलर नहीं मरा। अगर बात करें स्कल क्रॉलर के स्टेमिना की तो कई घंटों तक लड़ाई करने के बावजूद भी ये नहीं थकते। यहाँ तक कि घायल होने के बावजूद भी इसकी आक्रामकता शांत नहीं होती। चाहे ये झुंड में हो या फिर अकेले, ये कभी भी अपने पांव पीछे नहीं लेते, भले ही सामने विशाल स्कार बफेलो या खुद कॉन्ग ही क्यों ना हो। इन्हें सभी चीजों पर बस अपना शिकार नजर आता है। स्कल क्रॉलर के इंटेलिजेंस की प्रमाण हमें तब देखने को मिली जब कॉल स्कल क्रॉलर को धोखा देकर मारना चाहता था, पर यह दानव समझ जाता है कि इसे खाकर खुद को नहीं फोड़ना, इसलिए वो कॉल को अपनी पूंछ दे मारता है और वो सुसाइड अटैक व्यर्थ चली जाती है। एक बेहतरीन शिकारी होने के साथ साथ इसकी ओलाफैक्ट्री नर्व्स भी काफी एक्टिव होती है, यही वजह है कि यह अपने शिकार को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं। इसकी प्रीहेंसाइल जीव छोटे मोटे जीवों को पकड़कर सीधे इसके गले तक ले जाती है और इसके जीव का निशाना बिल्कुल सटीक होता है। वहीं इसकी मस्कुलर पूंछ जीवों को पकड़ने तथा उस पर प्रहार कर उसे मौत के घाट उतारने में काम आती है। इसकी पूंछ इसलिए भी खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके पूंछ के आखिरी सिरों में खतरनाक कांटे लगे हुए होते हैं, यहाँ तक कि इन्हीं कांटों ने कॉन्ग के पिता की जान ले ली थी। स्पीड और एजिलिटी के मामले में भी ये शिकारी कई कदम आगे है। भले ही इसके पास दो ही कदम क्यों ना हो, पर इसके रफ्तार के आगे हमारे आधुनिक वाहन भी कुछ नहीं। ऊपर से इसकी ये पूंछ इसे भागते वक्त दिशा बदलने में काफी सहायक होती है। स्ट्रेंथ और कॉम्बैट के मामले में ये रेप्टाइल धरती के लगभग सभी जीवों से आगे हैं। खासकर जब ये किसी से लड़ता है तो इसके रेजर समान धारदार दांत दुश्मनों के लिए किसी मौत का पैगाम के बराबर माना जाता है। ये अपने दुश्मनों पर कुंडली लपेट कर उसे कच्चा ही निगल जाता है। स्कल क्रॉलर की एक फैक्ट ये भी जान लें कि ये इंसानों की अच्छी खासी नकल भी कर सकता है ताकि शिकार को ये अपने तरफ खींच सके। बात करें इसके वीकनेस की तो इसकी तेज भूख इसके दिमाग को कुछ भी सोचने से मानो रोक देती है। इसके मात्र दो पांव इसे भागने में काफी असुविधा देती है और इसकी जीव जो कि इसके ऑर्गन से जुड़े होते हैं इसे खींचने पर ये तुरंत मारा जाता है। अब अगर बात करें शार्को के पूर्वज मेगालोडॉन शार्क की तो मनुष्य द्वारा ज्ञात जानकारी के अनुसार इस मछली को साक्षात दानव समझा जाता है, क्योंकि इस जैसा खतरनाक प्राणी न धरती पर अभी है न ही इसके जन्म से पहले कोई था। मेगालोडॉन के नाम का मतलब विशाल दांत होता है, जो कि एक हॉट ब्लडेड फिश थी, इसलिए ठंडा पानी में शिकार करना इसे काफी भाता था और प्रतिदिन ये लगभग 1100 किलो तक के शिकार को यूं ही चटकर जाया करती थी। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि मादा मेगालोडॉन अक्सर नर से बड़ी हुआ करती थी और इनके बच्चों के जन्म के समय में आकार करीब 6 फीट तक हुआ करता था।
वैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेगालोडॉन और डायनासोर एक ही समय काल में धरती पर रहा करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायनासोर लगभग 6.5 करोड़ सालों पहले ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे, लेकिन मेगालोडॉन की उत्पत्ति डायनासोर के अंत के कई करोड़ों सालों बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि मेगालोडॉन की उत्पत्ति 2 करोड़ सालों पहले हुई और इसका अंत 36 लाख सालों पहले हुआ। इस मछली के पुराने अवशेष दुनिया भर के लगभग हर समुद्री किनारों पर मिले हैं, जिससे पता लग पाया कि इस मछली के एक सिंगल दांत की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर तक होती थी, जो कि किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के दांत के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके मुंह का आकार भी लगभग 10 फीट का था। यही वजह है कि उस समय इस मछली के शिकार करने की क्षमता किसी भी जीव में नहीं थी। 60 से 70 फीट विशाल ये जीव डायनो किंग टीरेक्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बाइट फोर्स इस्तेमाल कर सकते थे। पानी में इसके तैरने की गति करीब 1 सेकंड में 5 मीटर तक होती थी और इसके रोबस्ट बॉडी को भेद पाना सिर्फ दूसरे बड़े मेगालोडॉन का ही बस का था। यानी एक और जहां स्कल क्रॉलर करीब 12 से 95 फीट तक हो सकता है, वहीं मेगालोडॉन 60 से 70 फीट विशाल है। ऐसे में अगर स्कल क्रॉलर मैक के जितना ही विशाल हो तथा इनकी लड़ाई पानी में हो, तब शायद ये मुकाबला काफी मजेदार बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही पानी में जीवित रहने के काबिल हैं। पर एक और जहां मैक की बाइट फोर्स 40,000 PSI की होती है, तो वहीं मोसासोरस की तरह मुंह वाला स्कल क्रॉलर की बाइट फोर्स लगभग 20,000 PSI तक हो सकती है। एक और जहां मेगालोडॉन पानी पर रहने के लिए ही बना है, वहीं स्कल क्रॉलर अपने गिल्स की मदद से कुछ घंटों तक पानी में रह सकता है। पानी में मेगालोडॉन की रफ्तार और एजिलिटी का मुकाबला कर पाना स्कल क्रॉलर के लिए भी खतरा बन सकती है, और अगर किसी तरह ये दोनों राक्षस लड़ाई करते करते पानी के काफी अंधेरे हिस्से में चले जाते हैं, तो मेगालोडॉन पहली बार मॉन्स्टर के मांस को चखेगा। वहीं लड़ाई शेलो वाटर में होती है, तो स्कल क्रॉलर के नुकीले पंजे, धारदार दांत और फुर्ती मेगालोडॉन के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।